नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूं तो शादी में हर किसी की नजर दूल्हा दुल्हन पर ही होती है। दोनों की जोड़ी कैसे लग रही है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इन सब बातों पर ही अक्सर चर्चा होती है। लेकिन जरा सोचिए, कोई ऐसी शादी हो जिसमें बहू नहीं सास पर नजरें टिक जाएं, सास की खूबसूरती के आगे नई नवेली दुल्हन फीकी पड़ जाए। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर की शादी में। दरअसल जुनैद की शादी 23 अगस्त 2021 को लंदन के नाइट्स सबब्रिज में पूर्व राजनेता सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ खान से हुई। शादी में यूं तो तमाम मेहमान मौजूद थे, ये एक बेहद हाई प्रोफाइल वेडिंग थी जिसमें हाई प्रोफाइल गेस्ट ही बुलाए गए थे। हालांकि इस पूरी शादी में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई तो वो जुनैद की पत्नी आयशा की नहीं बल्कि उनकी माँ और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की थी। मरियम नवाज बेहद खूबसूरत लहंगा पहने हुए नजर आई और सबकी नजरें अपनी तरफ करने में कामयाब हुई। शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि इस शादी में मरियम नवाज ने कहर ढाया हुआ है। मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी के हर फंक्शन के लिए अलग अलग आउटफिट्स तैयार कराए थे। जैसे कव्वाली नाइट्स में वो पिंक कलर की साड़ी में नजर आई, मेहंदी के फंक्शन में वो नीले रंग के लहंगे में दिखाई दी जिसे इंडियन फैशन डिजाइनर अभिनव मिश्रा ने डिजाइन किया था। इस लहंगे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। बेटे के निकाह के लिए मरियम नवाज ने हरे रंग का लहंगा चुना तो उन पर ऐसा खिला कि लोगों ने उनकी तुलना चांद से करना शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर सिर्फ मरियम नवाज की ही तारीफ हो रही है, उनकी बहू आयशा पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि आयशा खूबसूरत नहीं लग रही थी, लेकिन मरियम इस महफिल में 4 चांद लगाती हुई नजर आई। बेटे की बारात में मरियम ने जिस हरे रंग के लहंगे को पहना था उसे पाकिस्तानी फेमस फैशन डिजाइनर नाओमी अंसारी के कलेक्शन से चुना गया था। लहंगे में जरी जरदोजी के साथ हाथ का खूबसूरत काम किया हुआ था जिसके बॉर्डर पर काफी सारे रंग के धागों का काम था। इन्हीं तस्वीरों पर लोग लिख रहे हैं कि अपनी बहू से ज्यादा खूबसूरत तो मरियम लग रही हैं। आपको मरियम का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।